Which of the following statement is correct for paper chromatography? Water present in the pores of the paper forms the stationary phase. ये करेक्ट है. अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है बेसिक प्रिंसिपल्स का, उसमें ये दिया होता है. अगर वो अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी का बुक, इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी दिया होगा. अब इसी का एक टाइप होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो उसमें से होता है, एक पेपर होता है जिसमें वाटर ट्रैप्ड होता है, तो पेपर में जो पोर्स होंगे